नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मलेशिया की बातू गुफाओं के बारे में बताएंगे। इसका नाम मलय शब्द बटू से लिया गया है, जिसका अर्थ है चट्टान। पहाड़ी को मूल रूप से सीतांगगांग की कथा से कपाल तांगगांग के नाम से जाना जाता था। पास के शहर का नाम बाटू गुफाओं के चूना पत्थर के निर्माण के नाम पर रखा गया है। कुआलालंपुर के सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक बाटू गुफाएं। एक चूना पत्थर की पहाड़ी है जिसमें तीन प्रमुख गुफाएं और कई छोटी गुफाएं हैं। कुआलालंपुर के उत्तर में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस 100 साल पुराने मंदिर में मुख्य गुफाओं के अंदर और इसके चारों ओर मूर्तियां और मूर्तियां हैं। आंतरिक चूना पत्थर संरचनाओं के साथ लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना कहा जाता है। मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। जब मलेशियाई नेता के थंबूसोमी पिल्ले ने पहली बार 1800 के दशक के अंत में बाटू गुफाओं को देखा, तो वे तुरंत उनके आकार से प्रेरित हुए। पिल्लई के लिए मुख्य गुफा का प्रवेश द्वार भगवान मुरुगन के भाले की तरह दिखता था और उन्होंने इसे एक संकेत के रूप में देखा कि देवता को उनकी गुफाओं के भीतर एक भव्य श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। मलेशिया की बाटू गुफाएं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक हैं। भगवान मुरुगन को एक हर्षित श्रद्धांजलि, जिन्होंने तमिल हिंदू विद्या में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। गुफाओं की ओर जाने वाली विशाल सीढ़ी रंग के चमकीले बैंड से युक्त है। ऐसा लगता है जैसे आप देवताओं के कक्षों में इंद्रधनुष पर चढ़ रहे हैं। कैथेड्रल गुफा बटू गुफाओं में सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय गुफा, इसकी 100 मीटर ऊंची धनुषाकार छत के नीचे कई हिंदू मंदिर हैं। बाटू हिल की तलहटी में दो अन्य गुफा मंदिर हैं, आर्ट गैलरी गुफा और संग्रहालय गुफा, जिसमें कई हिंदू मूर्तियां और चित्र हैं। बाटू गुफाएं थाईपुसम के वार्षिक हिंदू त्योहार का केंद्र बिंदु है, जो हजारों भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। आमतौर पर जनवरी के अंत में आयोजित किया जाता है। केल सिटी सेंटर में श्री मरियम्मन मंदिर में थाईपुसम महोत्सव से पहले शाम को जुलूस शुरू होता है। बार बार जुलूस अगले दिन तड़के बट्टू गुफाओं में पहुंचता है। पूरा उत्सव तब शुरू होता है और एक रंगीन घटना होती है जो कुल 8 घंटे तक चलती है। अतीत में त्योहार ने 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ी सभाओं में से एक बन गया है। कई शिष्य अपने प्रसाद, दूध के कंटेनर, भगवान मुरुगा को बड़े चमकीले ढंग से सजाए गए कावड़ियों पर ले जाते हैं। कावड़ी लकड़ी या स्टील के दो विशाल अर्धवृत्ताकार अलंकृत टुकड़े होते हैं जो मुड़े हुए होते हैं और एक क्रॉस संरचना से जुड़े होते हैं, जिन्हें कंधों पर संतुलित किया जा सकता है। इन चौखटे को आमतौर पर विभिन्न धातु के हुक और कटार के साथ जोड़ा जाता है, जो त्वचा, गाल और जीभ को छेदने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कावड़ी को फूलों और मोर के पंखों से सजाया जाता है और कुछ का वजन 100 किलो तक हो सकता है। कुछ शिष्यों ने अपने शरीर को कांटों, सुइयों और यहां तक कटार से छेद कर देवताओं से की गई प्रतिज्ञाओं को भी पूरा किया और आगंतुक अक्सर भक्तों के समर्पण से मोहित हो जाते हैं। वास्तव में आश्चर्यजनक उपलब्धि यह है कि जब अनुयायी गुफाओं के शीर्ष पर 272 सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, ट्रैक के लिए आश्चर्यजनक मात्रा में धीरज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर भीड़भाड़ वाले प्रेस के खिलाफ काम करना पड़ता है। पुजारी भक्तों के मास्क को हटाने से पहले हुक और कटार पर पवित्र राख छिड़कने के लिए शीर्ष पर प्रतीक्षा करते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बाटू गुफाओं तक पहुंचना बेहद आसान है। आप कम्यूटर ट्रेन के लालुआन रूट से सीधे बाटू गुफाओं तक जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप एक टैक्सी या ग्रैब टैक्सी मलेशिया के उबर के संस्करण में कूद सकते हैं। किसी भी विकल्प में 30 मिनट से कम समय लगता है।
कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर उत्तर में सेंट्रल मार्केट से इंट्राकोटा बस नंबर 11D लें या जालान पुडू में सिटी लाइन बस नंबर 69 से बातू गुफाओं तक जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।